हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विक्रम जी के दूसरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 2024 मॉडल बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट कार्बन एडिशन E20 BS7 रिव्यू, वो भी हिंदी में। ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, न्यू अपडेट, न्यू फीचर्स और न्यू प्राइस आ चुकी है इस गाड़ी की, क्योंकि भाई अब दिसंबर चल रहा है, उसके बाद अब नई प्राइस कंपनी ने लॉन्च कर दिया। अब ये गाड़ी की कीमत कितनी है, कितनी आपको नई प्राइस में मिलेगी, सब कुछ आप जानने वाले इस वीडियो में। और ये है सबसे टॉप मॉडल बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन स्प्लिट सीट वाली। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सामने 12 वोल्ट 35 वाट हेलोजन बल्ब, दो पाइलर लाइट यहाँ पर आपको मिलेगी, इस तरह से लाइट जलती हुई दिखेगी। इंडिकेटर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाला मिल जाएगा इस तरह से। और ये रहा लुक, अब यहाँ पर आपको मिलेगा विंड ग्लास, यहाँ पर आपका चार नट पर आपको ये विंड ग्लास टाइट मिलेगा, बी का लोगो। साइड पर देखेंगे तो मैट फिनिशिंग, और ये रहा नया स्टिकर और नया ग्राफिक्स जो कि कार्बन एडिशन का यहाँ पर आपको कलर मिलेगा। ये देखिए आप, कार्बन एडिशन वाला है। अब यहाँ पर इसका जो मडगार्ड है, इस तरह से मडगार्ड आपको मिलेगा, टेक्सचर डिजाइन पियानो ब्लैक, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टिकर इस तरह से। देखिए आप, स्टिकर सबसे गजब का मिलेगा। 240 mm का फ्रंट पर डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ, 8017 का ट्यूबलेस टायर, और यहाँ पर व्हील पर आपको रैपिंग मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को हमने किया है स्टार्ट, वो भी स्टार्ट इसलिए किया है, सबसे बड़ा फीचर मैं आपको पहले दिखा दूं, इसके हैंडल बार में आपको लाइट मिलेगी। ये फीचर आपको TVS राइडर 125 में नहीं मिलेगा, ना होंडा SP, ना सुपर स्प्लेंडर 125, ना ग्लैमर और ना होंडा साइन में। ये देखिए आप, इसके हैंडल बार में इस तरह से लाइट जलेगी, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह से मिलती है। देखो आप भी अंधेरे में, ऐसा नाइट में बहुत ही मस्त लगेगी। दूसरा चीज़, यहाँ पर आपको जो टेल लाइट मिलती है वो इसके ऊपर कवर से मिलता है। ये देखिए आप, यानी कि यहीं से अंदर नहीं छुपाया है TVS राइडर की तरह, और ये ऊपर से ही दिख जाएगी बढ़िया लाइट जलती हुई। ये देखिए आप, पीछे की जो तेल लाइट है वो इस तरह से मिलती है। और आवाज़ आप सुनो इसका आइडियल पे, इस गाड़ी में आपको कोई भी आवाज़ इस तरह मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आवाज़ हमने आपको सुना दिया और तेल लाइट टच करा दिया। अब इसके हैंडल बार पे देखेंगे तो बार एंड यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसके अंदर जो कंसोल दिया गया है भाई, वो बहुत ही गजब का कंसोल मिलता है, इस तरह से ऑन करने पे काम करता है। साइड स्टैंड सर्विस, लो बैटरी, स्पीड, फ्यूल, डिस्टेंस टू MPT यहाँ पर आपको बताएगा। ये देखिए DTE, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। RPM लिमिट, यहाँ पर एनालॉग सेमी कंसोल रहेगा, न्यूट्रल, FI, पासिंग और इंडिकेटर का यहाँ पर बटन है। ये देखिए चाबी इसकी, इस तरह से चाबी मिलती है, इग्निशन यहाँ पर रहेगा। स्प्लिट में हैंडल बार अलग अलग वाला, यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ इंजन के स्विच, TVS राइडर 125 में नहीं मिलेगा, होंडा SP के सिवा हीरो की किसी भी गाड़ी में नहीं, ना सुपर स्प्लेंडर ना ग्लैमर में। पासिंग हाइलोबियम ट्रसिग्नल हारन, ये देखो आप, पूरा बारंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि आपके हाथ की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये आप देखो, ये देखिए इतना एक्स्ट्रा रहेगा, बहुत ही अच्छा हैंड की सेफ्टी के लिए आपके। अब ये रहा E20 वाला फ्यूल टैंक, जो कि ये ब्लैक कलर का रहेगा फ्यूल टैंक का कैप, और ये पूरा कार्बन एडिशन रहेगा। पल्सर 125 जो है ये पूरे कार्बन एडिशन के साथ आती है, और पल्सर का 3D वाला स्टिकर भी यहाँ पर ब्लू वाला कलर है, और रेड कलर भी आता है इसके अंदर। आप ब्लैक यहाँ पर रहने वाला है, और ऊपर आपका पूरा कार्बन एडिशन रहेगा। ये देखिए आप, टैंक पैड भी यहाँ पर आपको मिलेगा, टेक्सचर डिजाइन और सिल्वर पैड। और ये देखिए साइड पर आपका पल्सर का ब्रांडिंग इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर स्टिकर देख सकते हैं। ये पूरा ये कार्बन एडिशन, देखो आप कलर ये पूरा रहने वाला है, यहाँ पर भी आपको पूरा ये कार्बन एडिशन ही रहेगा। ये आपका ग्राफिक्स एकदम बिल्कुल फिटिंग फिट है। ये कवल आपका रहेगा जो कि फाइबर है, ये पूरा मेटल है, लोहा है। और ये फ्यूल टैंक 11.5 लीटर आएगा इसके अंदर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर। अब भैया पल्सर 125 का इंजन देख लो ज़रा, ये इंजन अब आपको फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिलेगा। पहले आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर मिल जाता था जो कि लो मेंटेनेंस था, अब आपको फ्यूल इंजेक्शन पे मिलेगी। इंजन गार्ड देखो आप, सबसे बढ़िया लंबा चौड़ा ग्रिल के साथ, ये अंदर भी इस तरह से साधन ही दिया गया है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मिलेगा। लेग गार्ड भी मिल जाएगा, हॉर्न भी मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लेग गार्ड भी काफ़ी गजब का दिया गया है। ये है डुअल चेसी पे, देखो इंजन आपको टाइट मिलेगा, काफ़ी बढ़िया रहता है इसे, और इससे क्या मजबूती और वाइब्रेशन भी कम रहता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 गियर मिलेगा, गियर लीवर इस तरह से मिलेगा, और ये गियर लीवर से बहुत अच्छा रहता है भाई। मिनी वाले से मेरा जूता ख़राब हो गया 3000 का, ये आप देखो इसमें अच्छा रहेगा, इसमें ऐसा गियर लगेगा, ये देखो। और इसमें ऐसा फीचर नीचे खुश हुआ कि ऐसा नहीं करना है, मेरी R15 की तरह इसमें बढ़िया है, मेरे बुलेट में भी मस्त है। और ये साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर, मेन स्टैंड मिलेगा। ये इंजन है 124.38 cc का, और उसके बाद दोस्तों सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल, 5 गियर की गाड़ी है, 50 से 55 का माइलेज है, और मैक्सिमम जो पावर इसका 8.68 kW, 11.8 PS पे 8500 RPM रहेगा मैक्सिमम टार्क, और मैक्सिमम पावर है और मैक्सिमम टार्क 10.8 Nm है 6500 RPM पे।
तो माइलेज भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद ये जो फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आपने देखा 240 mm, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm इस गाड़ी का, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। वज़न इस गाड़ी का 142 किलोग्राम है, यानी कि बढ़िया गाड़ी है, दबके चलेगी चपक के रोड पर। लोहे का पूरा चैन कवर, लेडीज़ को जो आप बिठाएंगे तो यहाँ पर पैर भी रख सकते हैं, सारी गार्ड अच्छा दिया गया है। स्प्लिट सीट मिलेगी और सिंगल सीट मिलेगी, दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। ये रही सिंगल सीट, सिंगल लेंगे तो 13,000 रुपये 14,000 सस्ती मिलेगी आपको, और ये आपको महंगी पड़ेगी। साइड पर देखेंगे तो मैट ब्लैक और ये टेक्सचर डिज़ाइन, ये आपका पैनल रहेगा, यहाँ पर ग्रिल मिल जाएगा, दोनों साइड पर ऐसा ही रहेगा। और पीछे अगर देखेंगे तो ये पूरा कार्बन एडिशन कलर है, 125 का नया स्टिकर, पीछे भी आपको नीचे कवल पर इस तरह से ग्राफिक्स मिल जाएंगे, नया स्टिकर नया पैनल पे। अब ये देखिए एंडोरेंस वाले नाइट्रोक सस्पेंशन आपको मिलेंगे, 5-स्टेप एडजस्टेबल रहेगा, अंडर कवर इस तरह से मिल जाएगा। और यह रहा स्प्लिट वाला ग्रेवरेल, काफ़ी अच्छा है ये, थोड़ा कंपनी को ऊंचा करना चाहिए क्योंकि हाथ नहीं घुसता उठाने पर, कोई पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, ये थोड़ा मज़ा कमाता है। और यहाँ पर भी आपको कार्बन एडिशन पूरा रहेगा, पीछे अगर आप देखेंगे नीचे इस तरह से ग्राफिक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको सेम किक सेल्फ दोनों स्टार्टर, TVS राइडर 125 में किक स्टार्टर है ही नहीं है, ब्रेक लीवर कितना हैवी क्वालिटी का मिलता है, भारी सा, इसमें जंग भी नहीं लगेगा, पूरा स्टील पर रहेगा। गार्ड देख सकते हैं लेग गार्ड, ये देखिए पूरा चेसी, ये रहा इसका साइलेंसर, काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और इसका जो पीछे का टायर है वो 90/17 का है, ट्यूबलेस टायर, और काफ़ी अच्छा हैवी रहेगा, 130 mm का ड्रम ब्रेक। और यहाँ पर व्हील पर आपको अलॉय व्हील पर आपको रैपिंग मिलेगा, गार्ड देख सकते हैं पीछे कितने लाइट LED जला के दिखा दिया पहले ही। ये रहा इसका पूरा फेंडर रियर का, यहाँ पे नंबर प्लेट आएगा आपका। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए भाई तो पल्सर 125 वे सोंडा SP 125 करोगे तो वो तो भाई आपको महंगा जो तो पड़ेगा पड़ेगा ही, लेकिन इसके जैसा लुक और इसके जैसा फीचर और कम्फर्ट और जो आप ख़राब सड़कों पर इसको चलाने में मज़ा पाएंगे उस आदर किसी में नहीं मिलेगा। हीरो में तो भाई एकदम कमर तोड़ गाड़ी है वो, लेकिन आपको होंडा में चाहे थोड़ा बहुत मिल भी जाए लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। और TVS राइडर 125 क्या है भाई, रीसेल वैल्यू उसका कम रहने वाला है, इंजन नया मॉडल का है, पता नहीं वो इंजन कोई बना पाए कि नहीं। ये गाड़ी आपको हर जगह पर बन जाएगी, हर जगह पर सक्सेस रहेगा, हर जगह पार्ट्स भी इसके मिल जाएंगे। तो ये गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 1,13,000 रुपये। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।